वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज मैं उठी थी 6 बजे क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम करना था। तो एक घंटा मैंने NCERT की एंड कल के नोट्स की रिविजन करी। उसके बाद 7 बजे के करीब, 7:30 के करीब आई मेड टी फॉर मी एंड माई मॉम, क्योंकि अब हम दोनों उठ चुके थे। तो मैंने हमारे लिए चाय बना ली थी एंड मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। एंड आई वॉज लिटरली सो स्लीपी कि मैं लास्ट का रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो मेन थिंग मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, बट चलो कोई बात नहीं। आई मेड माई सेल्फ टी टू गेट फ्रेशन अप क्योंकि मेरे को नींद आई थी एज आई स्लेप्ट क्वाइट लेट यस्टरडे, लाइक मैं 2 बजे सोई थी कल। तो इसलिए टू गेट फ्रेशन अप मैंने चाय बना ली एंड मैंने मम्मी और मेरे लिए एक ही कप में चाय बना ली क्योंकि मेरे को ज़्यादा पीनी नहीं थी चाय। तो हाँ, पहले मम्मी ने पी ली, फिर लास्ट में मैंने पी ली थी। तो या मैंने चाय पी देन उसके बाद आई स्टार्ट बैक डाउन टू स्टडी अगेन। तो बेसिकली मेरे को अपना बहुत सारा होमवर्क एंड अपने टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है क्योंकि मेरे को ऐसा पता चला है कि हमारे टेस्ट होने वाले हैं एंड लाइक दीज आर गोइंग टू बी द मॉक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग। तो इसीलिए मैंने अपनी सारी बुक्स नोटबुक्स मम्मी के रूम में ले आई क्योंकि मेरे रूम का ए सी भी हाल फिलहाल के लिए ढंग से चल नहीं रहा है। एंड एज यू ऑल नो मेरे रूम में बहुत बड़ी सी एक विंडो है जहाँ से बहुत धूप आती है, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं पढ़ रही हूँ अभी। तो मेरा जो मॉक टेस्ट होने वाला है, जैसे मेरे को पता चला अपने दोस्तों के द्वारा, मेरा मॉक टेस्ट होने वाला है जून में एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक जेई काइंड ऑफ थिंग, लाइक 300 नंबर को होने वाले एंड आई डोंट नो कैसा जाएगा, बट हाँ आई होप इट गोज़ वेल। देन थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं 9 बजे वापस से पढ़ने बैठ गई थी एंड बेसिकली मेरे को अपने NCERT के नोट्स वगैरह कंप्लीट करने हैं। तो इसीलिए मेरे को वो करना है क्योंकि लाइक मेरा जो डमी स्कूल है उसमें भी 11th के एंड में तो मेरे को शायद फाइनल एग्जाम्स देने जाना ही पड़ेगा। तो या उसके लिए मेरे को साथ से प्रिपेयर करते रहना है ताकि ऐसा ना हो कि 11th में बेकार परसेंटेज आ जाए, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा लोगों की ड्रॉप हो जाती है परसेंटेज क्योंकि 11th इज़ क्वाइट टफ। तो उसके बाद आई मेड माई टू डू लिस्ट जल्दी से एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। सो आई हैव बेसिकली रिटन माई गोल कि मेरे को क्या चाहिए, स्कॉलर बैच में जाना है मेरे को। देन उसके बाद आई रोट माई टू डू लिस्ट एंड ऑल्सो आई रोट कि हमारा जून में मॉक टेस्ट है ताकि आई डोंट फॉरगेट, यू नो मैं अगर लिखती नहीं हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने वो लिख लिया। एंड बेसिकली आई हैव टू डू नोट्स क्या थिंग ऑफ फिजिक्स, देन PYQs करने, कंप्लीट बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स का रिवीजन करना है। से भी मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है एंड द वीडियो एडिटिंग थिंग। सो बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द व्लॉग लेट मी गिव यू सम स्पेशल इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो उत्कर्ष क्लासेस हैज एन एडिशनल 20% डिस्काउंट ऑन देयर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर क्लासेस 6 to 12 ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू एकेडमिक सेशन ऑफ 2024 to 2025। तो उत्कर्ष क्लासेस अ प्लेटफॉर्म जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं एंड दे गिव यू अ गुड फाउंडेशन एंड इनके कोर्सेज आर फॉर 6 to 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एंड आपको CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड भी इसमें मिल जाएगा। सो आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए आगे करियर अपना अच्छा करने के लिए क्योंकि 11th और 12th में एज यू ऑल नो इफ यू आर गोइंग टू मेडिकल एंड नॉन मेडिकल फील्ड योर फाउंडेशन हैज़ टू बी रियली रियली गुड विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन दैट फील्ड, है ना, फॉर कैलकुलेशन एंड ऑल। So it is a really good opportunity for you all to enroll in their classes and this offer is only for a limited time. So I suggest you कि तुम लोग अभी जाके वहाँ पे enroll कर लो उनके online classes में क्योंकि तुमको घर बैठे अपनी आराम से foundation build हो जाएगी and online classes are really really good option for those who are living really really far from Utkarsh classes and जिनको मतलब like comfortable नहीं रहता offline classes में since corona, है ना। तो The link to enroll is in my description box so you all can go and check it out and don't forget to use my coupon code ASS20 for an additional 20% discount. Now let's get into the video. तो आई टुक आउट माई रजिस्टर एंड आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पे YouTube पर एक लेक्चर वगैरह अटेंड कर रही थी क्योंकि NCERT के लिए आई बिलीव वो ही सफिशियंट रहेगा एंड उसके लिए नोट्स बनाने के लिए भी दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो मैं वहीं यहाँ पे कर रही थी एंड वहाँ पे साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही थी। ड्यू टू माई कोचिंग एंड ऑल मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले से आती ही, मतलब सब कुछ मेरे को आता है पहले से। तो बेसिकली मेरे यहाँ पे बस रिविजन हो रही है और प्रैक्टिस हो रही है मेरे आगे के टेस्ट के लिए, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। तो एक चीज़ मेरे को तुम लोगों को कहनी थी कि तुम लोग जैसे पढ़ते हो ना तो प्लीज़ डू रिवाइज इट एंड ऑल क्योंकि तुम्हारे भी कोचिंग में टेस्ट होने वाले हैं एंड हमारी कोचिंग मेरे को ऐसा पता चला तो जो टारगेट 1 था ना जिसमें 2-2 चैप्टर्स थे हर बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, वो पूरा आने वाला है ऐसा मेरे को पता चला है। सो या आई एम गोना प्रिपेयर दैट एंड मेरा मैथ्स में तो लाइक ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कंप्लीटेड है, मेरा केमिस्ट्री भी कंप्लीटेड ही है। चैप्टर 2 की मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बट जो मेरा फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें मेरा बस एक ही चैप्टर अच्छे से हो पाया, अभी काइनेमैटिक्स मेरा नहीं हुआ है पूरा क्योंकि काइनेमैटिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है मुझे कभी कभी। हाँ, उसके स्टेप 2 के कुछ क्वेश्चंस एंड एडवांस से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं,
तो मेरे को वो अभी कंप्लीट करने हैं एंड आई होप मैं सैटरडे संडे में फटाफट कंप्लीट कर दूंगी। बट सैटरडे को तो आज हमारे घर में गेस्ट आएंगे तो आई डोंट थिंक आज हो पाएगा। मेरा भाई आएगा आज, आंट माऊ मामी वगैरह आएंगे तो हाँ आई डोंट थिंक आज इतना काम हो पाएगा, तो इसीलिए मैं आज जल्दी उठी थी। एंड कल भी हमको कहीं जाना है, दूर जाना है, तो इसलिए मेरा कल सुबह का भी टाइम थोड़ा लाइक ऑक्यूपाई सा ही है। सो इसलिए आई एम ट्राइंग कि सुबह सुबह में मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स अपनी कंप्लीट करके रखूँ। एंड कल भी मैंने अपना यूनिट्स का आधे से ज़्यादा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मेरे को सबमिट भी करना था। आई थॉट कि कल सबमिट होगा बट हाँ सर ने नहीं पूछा तो अच्छी बात है क्योंकि मेरा काइनेमैटिक्स अभी पूरा कंप्लीटेड नहीं है। चलो एनीवेज आई कंप्लीटेड दिस यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला पार्ट, देन उसके बाद आई टुक अ ब्रेक एंड हैड माय ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आई हैड दीज आलू वाले सैंडविचेस एंड दीज आर रियली रियली टेस्टी एंड दीज वर सो क्रिस्पी एंड टेस्टी लाइक मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो मैंने आज ये खाए एंड आई वाज आल्सो वाचिंग माय सीरीज। तो आज डीमन स्लेयर का मेरे को पता चला दूसरा एपिसोड शायद आज आएगा, पता नहीं कब ड्रॉप हुआ बट हाँ मैंने आज सेकंड एपिसोड भी देख लिया। तो हाँ ब्रेक के टाइम पे मैं देख लेती हूँ पूरा एंड बाकी मैं नहीं देखती। सो हाँ इट इज़ गुड टू टेक ब्रेक्स एंड तुम लोग अगर पढ़ते हो तो प्लीज़ रिवॉर्ड योरसेल्फ ताकि तुमको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए। तो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट एंड टेकिंग अ शावर एट अराउंड 12 PM या 12:30 PM आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग माई रूम क्योंकि मेरा पूरा कमरा ऐसा फैला हुआ था जैसे पता नहीं पूरी लाइब्रेरी किसी ने बिखेर दी हो, बाहर को रख दी हो। तो हाँ मैं वही सब साफ कर रही थी यहाँ पे एंड बेसिकली मेरी बुक्स जो फैली हुई थी, जो लाइब्रेरी फैली हुई थी मेरी पूरी, उसको मैं समेट रही थी एंड यहाँ पे लाइक जगह नहीं बन पा रही थी मेरी मोटे मोटे रजिस्टर्स के लिए एंड तो मैंने बस जैसे जैसे करके उनको फिट कर दिया है अंदर एंड लास्ट में मैंने अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स भी रख दिए। बट हाँ तीन मेरे रजिस्टर्स नहीं आ पाए थे मेरे कोचिंग के, तो मैंने उनको अपने बैग में रख के अपना बैग अपने टेबल पे रख दिया है। सो या मेरा रूम लुक्स क्वाइट क्लीन एंड मेरा शेल भी अब साफ सुथरा सा हो गया है। सो आज अभी तक तो मैंने यही करा है एंड नाउ आई एम एडिटिंग दिस वीडियो क्योंकि आई हैव टू प्रोवाइड इट यू ऑल बाय 8 PM। तो हाँ दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट। एंड आजकल आई हैव बीन पोस्टिंग मिनी व्लॉग्स अलॉट क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू एडिट ऑल द वीडियोज लॉन्ग वाली। सो हाँ यू ऑल कैन वॉच माई मिनी व्लॉग्स टू स्टे अपडेटेड। सो बाय, टेक केयर।